Pakistan zindabad. 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 Hindustan zindabad. Ball. ताजा जानकारी के अनुसार आज सुबह चंचलगढ़ के जेल से दो पाकिस्तानी आतंकवादी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार होने में कामयाब हुए। ये जानकारी नगर के पुलिस कमिश्नर ने आज प्रेस वालों के सामने दी। राष्ट्र के सारे सरहदों को बंद करके रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस कॉलेज में नया नया आया हुआ लेक्चरर हूँ। क्या कहा? लेक्चरर हूँ। तुम सब लोगों के लिए एक फ्लैश न्यूज जो मुझे अभी अभी मिली है। ये सेपुरी हम सबको पढ़ाने आया हुआ नया टीचर है। अरे आप लोग साइलेंस हो जाइए प्लीज। बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, मगर उससे पहले आप लोगों ने मेरी रैगिंग कर दी और सब जानने के बाद फिर हरकतें कर रहे हो। भेलपुरी, तुम्हें ठीक से पढ़ाना आता है या नहीं ये हम सब तय करेंगे। पूछो। ताजमहल को किसने बनाया बताओ? शाहजहां ने। जी, प्रदीप कुमार। तुमने ताजमहल फिल्म नहीं देखी है क्या? मजाक मत करो। ज्यादा बोलना नहीं, पुरानी पढ़ाई पढ़ाना बंद करो, ट्रेन चेंज करो, यूथ यूथ के लिए कुछ पढ़ाओ ना तो कौन जाने। सा पाठ? स्टॉप, कोई डांस नहीं करेगा, सब अपनी अपनी क्लास में जाओ। गो गो। हाय हाय बाय। ओ, वो दोनों पेड़ों के बीच में खड़ा होकर मुझे इशारा कर रहा है। प्रिंसिपल होकर मैं सब लोगों के साथ मस्ती कर रहा था, सोच रहे हो कि तुम मेरी शिकायत किससे करोगे? तुम्हें मन की बात पढ़ के बोलना आता है क्या? ये विद्या नहीं है। चलो मैं बताता हूँ। सर, क्लास में मालूम है तुम क्लास लेने गए, वहाँ उन लोगों ने तुम्हारी क्लास ले ली, यही बात है ना? सर अनुभव सुनो, स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसा कि तुम जानते हो, औरत को पहली डिलीवरी पर जितनी तकलीफ होती है, वैसी ही तकलीफ लेक्चरर को पहली बार क्लास लेने में होती है। क्लास के अंदर जाना तो इजी है, लेकिन क्लास से बाहर निकलना मुश्किल है। अनुभव, जैसे पुलिस इंक्वायरी में होती है, मैं तुम्हें यही बताना चाहता था। इसके पहले जो मैं स्टूडेंट्स के साथ नाच रहा था, उन्हें रास्ते पर लाने के लिए कर रहा था, समझे तुम? ये था लेसन नंबर। सर, कॉलेज में ऐसा भी होता है क्या? कॉलेज में ऐसा ही होता है। तकलीफ हो रही है? शिव काशी के पटाखे का टेंशन नहीं है, उसने बड़ा बड़ा बम नहीं डाला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये लेसन नंबर कौन सा है? ये लेसन नहीं है, अनुभव है। सर सर, अरे सर, Yeah.
अरे कहाँ गया, कहाँ गया, कहीं होगा, कहाँ गया होगा, चलो उसे ढूंढते हैं, छोड़ेंगे ना इस साले को। कहाँ जाएगा साला, कहाँ गया वो, ढूंढो उसे, चलो देखते हैं। भारत राज की कसम खा के मैं भारत राज की कसम खा के बोलता हूँ, देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की जनता की, अपने देश की जनता की सुरक्षा की कसम खाता हूँ, सुरक्षा की कसम खाता हूँ, राज्य के मुख्यमंत्री पद, राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ। आज अच्छा दिन है और तू दरिद्र के जैसे थूथू कर रही है। रहने दो, मेरी किस्मत में ये एक असेंबली है और तुम एक चीफ मिनिस्टर, रोज रोज तुम ये शपथ लेकर मेरी जान खाते हो। मेरे जिंदा रहते तुम कभी सीएम बन सकते हो क्या? तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है तुम मेरी बीवी नहीं किसी और की बीवी हो। हाँ हाँ जानती हूँ, मेरा नसीब इतना अच्छा है क्या? अध्यक्ष जी, जिस तरह राज्य में तंबाकू सिगरेट पर पाबंदी लगी है उसी तरह थूकने पर भी पाबंदी लगानी पड़ेगी। अरे ये क्या है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बड़े भाई ने आपके घर में रहने के लिए भेजा है। ये क्या, उठते बड़े भाई, बैठते बड़े भाई, खाते बड़े भाई, पीते बड़े भाई। हेलो, हाँ बड़ा भाई नमस्ते। हाँ आए हैं, आए हैं, घर के अंदर क्या जरूरत पड़ी तो बेडरूम में भी सुलाऊंगा। बड़ा भाई, बड़ा भाई, सीएम पोस्ट के लिए मेरे लिए बात करो ना। थैंक थैंक्स बड़ा भाई। भाई ने फोन पर कहा है कि तुम दोनों को सेफ जगह पर रखना है। मेरी नजर में सिर्फ एक ही जगह है, वो है कॉलेज, वहां के बारे में पता भी नहीं चलेगा। चलो चलो चलो। क्यों चाकू ऐसे फेंका? अगर थोड़ा चूकता तो मुझे लग जाता। ए, सिर्फ तुम्हें डराने के लिए मैंने इसे यहाँ फेंका। देखो, तुम्हें प्रिंसिपल ने समझाया ना, तो ज्यादा उड़ना मत। हम लोग रोज कॉलेज में आते हैं, पढ़ने के लिए नहीं, अटेंडेंस के लिए भी नहीं। हमारी अटेंडेंस बिना कहे तुम लगा दिया करो, वरना हम तुम्हें बताएंगे कि हम क्या है। हमारी बात नहीं मानी तो बचोगे नहीं, मार देंगे तुम्हें। हाँ। ए, चलो। वेरी बैड। ए मलाई पेड़ा, लगता है चाकू देख के तो डर गया। देखो लावण्या, तुम मजाक करती हो तो अपने आप को सबके सामने बहुत बड़ा समझती हो क्या? लड़कियों को अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। लड़की हो लड़की की तरह रहो, मर्दों जैसे तुम भी बाजार में उतरोगी तो बर्बाद हो जाओगी, समझ गई? संभल के रहना। शिट! हेलो, हेलो, आप कौन बोल रही हैं? क्या हुआ? ए, पुलिस में रिपोर्ट करो ना। ओके ओके ओके, मैं हॉस्टल में पहुंच रहा हूं। ओके प्लीज प्लीज।
कोई बचाओ, प्लीज प्लीज हेल्प मी, कोई बचाओ मुझे, somebody प्लीज हेल्प मी, प्लीज कोई बचाओ। अरे ये क्या कर रही हो? अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? तुम अरे तुम ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं मैडम, अरे तुमने तो मुझे फोन करके बुलाया था। मैडम सुनिए, तो इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम ये देखिए, ये मेरी इज्जत लूट रहा है। अरे आप गलत समझ रही हैं। इसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। पुलिस में रिपोर्ट करने से कॉलेज और हॉस्टल का नाम बदनाम हो जाएगा। एक टीचर होते हुए तुम्हें ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? क्या हुआ है, सच्चाई जानने की कोशिश करो। बकवास बंद करो, मुझे क्या करना है मैं जानती हूँ। आउट, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ अपने बिस्तर पे जाओ, जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ। लावण्य तू भी जाके सो जाओ। कैसा लगा मेरा शॉक ट्रीटमेंट? मेरे से पंगा लेने से क्या होता है, अंजाम देख लिया ना। अरे जल्दी करो यार, कम ऑन क्विक। ए बारूद का मामला, फटाफट करो, कम ऑन। Next move। भारत की आजादी 1947 और 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और इसी दिन हम लोग स्वतंत्रता हासिल हुए थे। और इससे पहले काफी क्रांतिकारी घटनाएं घटी थी जिसमें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोग एग्जाम करीब है ना सर, इसलिए सबको मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ सर। हाँ सर। ओह गुड, कैरी ऑन। ठीक है सर। यस यस, पढ़ाई करो। ओके सर। तुम्हें कुछ नहीं मालूम क्या के ड्रामा कर रहे हो? तुम यहाँ पढ़ाने के लिए आए हो या गर्ल्स हॉस्टल में जाकर रात को सबको परेशान करने के लिए आए हो, बताओ तुम? सर सच्चाई जाने बगैर ही आप इतना कुछ बोले जा रहे हैं। सच्चाई क्या है मैं सब जानता हूँ, हॉस्टल के मैडम ने सब बता दिया है। सर ये सब झूठ है। अगर तुम सच हो तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बोलते क्यों नहीं, जब ये लोग सच कह रहे हैं तो तुम चुप क्यों हो, बोलो। ओके सर, मैंने गलती की है, आप जो सजा देना चाहें। तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, इसलिए मैं तुम्हें डिसमिस नहीं करते हुए वार्निंग देते हुए छोड़ रहा हूँ। डोंट रिपीट इट, यू कैन गो। थैंक यू सर। तुम्हें क्या घंटी बजा के बोलना पड़ेगा? तुम लोग ही जाओ यहाँ से। हॉस्टल में एक आदमी घुसकर गड़बड़ करता है और तुम लोग खामोश देख रही थी। अनुभव, रात में तुमने जो हरकत की, अगर कॉलेज में तुम्हारी पोल खुल जाती तो क्या इज्जत रहती, सभी तुम्हारा मजाक उड़ाते। एग्जैक्टली, तुम्हारी वजह से ये बेचारे ने कितनी बातें सुनी। बट ही इज ग्रेट। हाँ बहुत अच्छा लड़का है। जरा सोचो लावण्या। सर यस सॉरी सर, जो रात में हरकत की उसके लिए क्या? हाँ सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इट्स ओके, आप बहुत अच्छे इंसान हैं सर, मैंने जो गलती की उसे अपने मन में नहीं लिया और मुझे माफ कर दिया। मैंने जो हरकत की आपने किसी को पता तक चलने नहीं दिया। थैंक यू सर। सच बोलू तो मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए, आपने जो किया उससे मेरा एक अच्छा काम हुआ, मैं आपका आभारी। अच्छा काम हुआ क्या सर? वेट एंड सी। ए सामान इसमें पैक करो। ए, जी सामान को यहाँ से लो और वेजा ले आओ।
ठीक है सर। सुनो, सामान को लेके कहीं नगर जाओ, सामान बराबर पैक करो, पुलिस को पता नहीं चलने चाहिए। ओके ओके ओके, बी केयरफुल, पुलिस से बचकर रहना। अच्छे से काम करो, ओके? सामान के लिए तुम सामान के रखो। पैक करते समय लिस्ट क्यों रहेगी बे? अच्छे से पैक करो, बराबर देंगे। हे, कौन है तू? बताता क्यों नहीं है? अरे ये तो जाना पहचाना लगता है। अरे ये तो अपना बेवकूफ मामू है क्या? वैसे इसका नाम ब्राउन शुगर है, इसे खाएगा तो बहुत ही मजा आएगा तुझे। तुम जैसे आदमी को ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए, इसे देखकर तुम्हें डर लगेगा। जाओ 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 जाओ। आज मैं यहां से जाने के लिए नहीं आया, तुम लोगों को साथ ले जाने के लिए आया हूं। मॉर्निंग सर। बैड मॉर्निंग। मेरे लड़के को और उसके दोस्तों का अगर मेरे पास नहीं छोड़ा तो तेरे लिए बैड मॉर्निंग है। तेरे साथ ऐसा खेलूंगा कि तू खेलता रहेगा। सर मैं भी उसी टेंशन में हूँ सर। वो लेक्चरर, वो कहाँ है? उसको बुलाओ। वो इस कॉलेज में नया आया है सर, उसका नाम सुंदर सूरी है। बच्चों को भी पढ़ाने में उसे डर लगता है। इस तरह का आदमी, मेरा लड़का इस तरह का खेल खेल सकता है? उसे बुलाओ। आज वो कॉलेज में आया ही नहीं सर, रात के झगड़े बाद कहाँ गया पता नहीं। ये कौन है? स्कूल में पढ़ाने के लिए आया, रेप या किडनैप करने आया? अमेरिका को लादेन को पकड़ने के लिए मुश्किल हो सकता है, मगर इंडिया में मुझे इस लड़के को पकड़ने के लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर उसका तुम्हारे पास कोई फोटो हो तो मुझे लाके दो। हाँ हाँ सर, पुलिस में कंप्लेन लिखाने के लिए मैंने रिकॉर्ड रूम से ये फोटो निकाला है। ये लीजिए, यही है वो। हुँ।
ये कोई लेक्चरर नहीं है, ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरी लड़की के साथ अन्याय हो रहा है। तुम लोग कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। तुम लोग कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। तुम लोग कुछ भी करो। कुछ नहीं बताऊंगा, बताता हूँ। बैठी रहो, चिल्लाने की कोशिश मत करना। कौन है तू? ए, पहले उन लोगों को छोड़ दे, बाद में हम बोलेंगे हम कौन है। ये डील तुम्हें किसने दी? ये डील किसी की भी हो मेरा बॉस करेगा। फोकट में मेरे बॉस से पंगा मत लो, तुम मेरे बॉस को जानते नहीं हो। क्या रे, उसकी तारीफ क्यों कर रहा है? मेरे बॉस का नाम सुनकर सारे पुलिस वाले से सलूट मारते हैं, समझा? इस देश के सारे नेता मेरे बॉस से काम करवाते हैं। आफ्टरऑल तू कौन है? मेरे बॉस का नाम सुनते ही तेरा बॉस कांपते कांपते यहाँ पर चला आएगा। Hari, narhari. Come on, fast. Hurry up. Thank you, sir. का मैं बहुत बड़ा बादशाह हूँ, मुझे इस तरह से इलाके रख दे वो कोई मामूली आदमी नहीं होगा। कल उसने हमारे माधवपुर के 100 एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया, तुमने क्या किया? कल जो देसी दारू की भट्टी को भी नहीं छोड़ा, आज उसने जो दुबई जा रही थी हमारी कंसाइनमेंट उसे भी पकड़ लिया। बता अब मैं दुबई के क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा? है पुलिस के सामने, पब्लिक के सामने वो अपनी इज्जत उतारे, उस नरहारी का मर्डर कर दो। मतलब कि तुम दोनों को देख के लग रहा है कि तुम दोनों अभी एक दूसरे को मार दोगे। तुम दोनों मिलके रहोगे तो मुंबई इसका और सिकंदराबाद आपका। ए रुक तल्ली। अब्बास भाई, अरे छोड़ देना, नरहरी भाई छोटा है, हाथ से हाथ मिला के रहो, ग्लास से ग्लास टकराते रहो, अगर मिलना है तो दिल से दिल मिला के रहो, हथियार से हथियार मत मिलाओ। चलो कमान, हाथ मिलाओ, मिलाओ हाथ, हाथ मिलाना।
मिलके रहो, अब शतरंज के खेल का मजा आएगा। ये हमारी किस्मत है कि हम दोनों मिल गए। मेरे हाथ से हाथ मिलाकर मेरे फैन की तरह रहना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर सामने वाला भी मेरे साथ इस तरह रहेगा तो उसकी किस्मत ही बहुत अच्छी है, खासकर हम दोनों के लिए। नहीं बताऊंगा। कुछ बताया क्या? नहीं इसने? नहीं बॉस, अभी तक कुछ नहीं बताया। इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये पिछले 15 सालों से मेरे साथ काम कर रहा है, मुझसे नमक हरामी करी। इसके दिमाग को किसने घुमाया कि इसने मेरी सारी सीक्रेट बाहर जाके लोगों को बता दी, और मेरी सारी की सारी खास खबरें पाकिस्तान और श्रीलंका को हाथों भेज दी, और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। मैंने इसको टॉर्चर किया, इसने मुंह तक नहीं खोला। ये मेरी तरह बड़ा आदमी बनना चाहता है। सच बोलो, बोलो सच बोलो। नहीं बताऊंगा। शकील भाई का शकील राइट, शकील को मेरे पास लेके आओ। यस बॉस। तुम तो बहुत ग्रेट हो बॉस। मेरे आदमी इसको 2 दिन से टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन ये मुंह खोलने को तैयार नहीं था, और तुमने 1 मिनट में खुलवा दिया। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, इसकी जगह इसका बाप भी होता तो मैं उससे उगलवा लेता। ऐसा क्या है अब्बास? क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कुछ तो बात है। हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बोलो। वो बहुत सीक्रेट है। सीक्रेट है तो मत बताओ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। मैंने एक मेजर को किडनैप किया है। मेजर रत्ना जी? हाँ यस यस, वही वही। उनके पास बॉर्डर के बहुत खास राज हैं। अगर वो मुझे मिल गए तो ISI वाले 20 करोड़ मुझे देंगे। ऐसा है क्या? यस, लेकिन वो है कि अपना मुंह नहीं खोलता है। तुम्हें उसके मुंह से सारे राज निकलवा के मुझे देने होंगे। उसको रखा कहाँ है? कैसे भी करके ये डीलिंग मेरी ओके करवा। अगर मैं ये डीलिंग करूंगा तो वो नहीं बचेगा। बताओ। ए मेजर, कैसी लग रही है हमारी मेहमान नवाजी? क्यों रे, ऐसे क्या देख रहा है? कितने दिनों से मेजर को तुम लोग ऐसे टॉर्चर कर रहे हो? 20 दिनों से सर। नारहरि, मेरा ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है। भैंस के जैसे शरीर रख के भी मेजर के मुंह से तुम एक लफ्ज भी नहीं निकलवा पाए। तेरे को इतना खाना खिलाना और पगार देना सब बेकार है। नारहरि, अपना स्टाइल भी डिफरेंट है। ओके, प्रोसीड। मेजर, ये लोग जो जानना चाहते हैं इन्हें सारी बात बता। बोलो। आपकी जान को खतरा है। नहीं बताऊंगा। इन लोगों के हाथों से मरना अच्छा है कि तुम सच बताकर यहाँ से निकल जाओ। सच बता। सच नहीं बताऊंगा। क्यों मेजर, तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? आई डोंट केयर। एक मेजर हो इसलिए मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठा पाया। इज्जत से बता दो। नहीं बताऊंगा। बस। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करो। जल्दबाजी मत करो। ये कोई मामूली चोर और इंसान नहीं है, ये एक मिलिट्री का मेजर है। संभल के बात करनी होगी। मेजर, तुम्हें कोई बचाने आएगा ये गलत सोचते हो। अगर मुझे कोई बचाने नहीं आया तो मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा जो सीक्रेट है वो मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम वो सीक्रेट मुझे बता दोगे तो तुम और तुम्हारी फैमिली को अमेरिका में सेटल कर दूंगा। खुद का घर होगा, गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा। क्या बोलता है? मैं अपने देश को भगवत गीता की तरह मानता हूँ। तुम मुझे खरीद नहीं सकते। देश, देश से तू इतना प्यार करता है? अपनी माँ की कोख से जन्म लेकर, अपनी माँ का दूध पीकर, अपनी माँ जैसी मातृभूमि भारत माता को बेचना चाहता है। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। पवित्र भारत देश में पैदा होके मातृभूमि के साथ गद्दारी करने वाले तुम जैसे देशद्रोहियों के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिलाऊंगा। तुम जैसे गद्दारों का जीने का कोई हक नहीं। आज तुम्हें अपने कर्मों की सजा बराबर मिलेगी। ए, मारो जय।
पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो भागने न पाए। एक हाथ में जिंदगी एक हाथ में देशभक्ति को रख के लड़ने वाला, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मेजर रंजीत को बचाने के लिए, तुम्हारे किए की सजा देने के लिए मैंने ये रूप लिया। तू नरहरि, एएसपी नरहरि, यू आर अंडर अरेस्ट, मूव। ये लॉयन यूनिफॉर्म पहनने वाला लॉयन नरहरि आईपीएस, नरहरि, नरहरि आईपीएस। खेलेगा भी आज अपने साथ शतरंज खेलेगा। मिस्टर पैटली, एंटी टेररिस्ट के तहत हम आपको गिरफ्तार करते हैं। अगर तुम मुझे अरेस्ट करोगे तो पब्लिक नहीं छोड़ेगी। पब्लिक तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी इज्जत करती है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम मरोगे तो तुम पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा, तुम्हारे बेटे पर भी रहम खाने वाला कोई नहीं होगा। मेरा लड़का कहाँ है? तुम्हारे लड़के और उसके दोस्तों को मैंने जेल में डाल दिया, अब तुझे अंदर डालूंगा। अगर तुम मुझे अंदर डालोगे ना तो जनता चुपचाप नहीं बैठेगी, क्योंकि मेरी पार्टी में एकता है। वो बंद कर। जनता को क्या अपनी जेब में रखा हुआ फटा नोट समझता है? चार पांच पार्टी को अपने साथ मिला के क्या जनता को अपना नौकर समझता है क्या? काट के रख दूंगा। काटेगा मुझे? मुझे? यस। दवा से बीमारी कम नहीं होती, डॉक्टर खराब अंग को काट कर फेंक देता है। चल रे। इनके पीछे क्यों लग रहे हो? तू अपने काम पे काम कर।
चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं। तुमने मेरी जान बचाई है। कोई भी आएगा ये इंफॉर्मेशन उसे मत देना, इट्स माय ऑर्डर। बेटा हरी। पिताजी ये सब क्या हाल बना रखा है? बस कुछ नहीं, मैं बाजार से आ रहा था, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। गुंडे? हाँ, एक ईमानदार पुलिस अफसर का पिता जो हूँ मैं। टाइम पर अगर ये लड़का नहीं। कौन है वो? कहाँ गया? अंदर आओ बेटा। हेलो। थैंक्स आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पिताजी मेरी जान है, मेरे पिताजी की जान बचा के हम पर उपकार किया है। नाइस टू मीट यू। नरसिम्हा। नरहरी। जोड़ी तो बहुत ही बढ़िया है। तुम दोनों बैठो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। बैठिए। आप क्या काम करते हैं? मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है। आपका ऑफिस कहाँ है? हमारा हेड ऑफिस मुंबई में है। लगता है आप यहाँ के रहने वाले नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैं एक जरूरी काम से यहाँ पर आया। ओके, ये लीजिए। शुक्रिया। वैसे अभी आप कहाँ रुके हैं? अभी तक डिसाइड नहीं किया है, किसी भी होटल में ठहर जाऊंगा। क्यों, तेरी पुलिस इंक्वायरी चालू हो गई क्या? होटल में क्यों रुकोगे? तुम यहाँ हमारे साथ ही रहो। अरे मैं यहाँ पे कैसे ठहर सकता हूँ? नहीं, रहने दीजिए। एक बात सुनो, मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ, इतना बड़ा घर है, तुम यहीं रहोगे? मैं ये कह रहा था कि हेलो, बाहर की जो प्रॉब्लम है वो सब मैं देख लूंगा, अंदर मेरे पिताजी का ख्याल तुम रखना, इसलिए अब तुम्हें यहीं रहना है। ये सही है। नहीं, ऐसी बात नहीं। प्लीज। ओके, मैं रहता हूँ, आप लोगों के जाने के बाद मैं अपना काम भी कर सकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। पिताजी, हम दोनों का खाना अच्छा होना चाहिए। हाँ, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, केकड़ा मसाला, टाइगर फ्रांस फ्राई। अरे बाप रे, एक दिन में इतने सारे खाने मैं नहीं खा पाऊंगा। जब तक तुम यहाँ रुकोगे ऐसा ही खाना मिलता रहेगा। अभी तुम काफी पियो। नाश्ता तैयार है? आ रहा हूँ। सॉरी नरसिम्हा। नो प्रॉब्लम। थोड़ा लेट हो गया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, मॉर्निंग। आओ बैठो। तुम्हारा आज का क्या प्रोग्राम है? मैं हैदराबाद जा रहा हूँ किसी काम से। जी मैं भी हैदराबाद जा रहा हूँ। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं छोड़ दूंगा। नहीं नहीं। क्यों? मैं अकेला चला जाऊंगा। ऐसा कोई आदमी है पुलिस के नाम सुनते ही डर जाता है? मैं क्यों डरूं? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि जो मुझे डरना हो। अरे जब ये उसी तरफ जा रहा है तो तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर देगा। वो नहीं है दरअसल। एक बार बोला तो बस बोला। ओके। हाँ बैठो ना, क्या बात है? क्या बात है, बहुत टेंशन में? हाँ, जॉब का टेंशन है। वो जो भी टेंशन है हमें होनी चाहिए क्योंकि हम पुलिस वाले हैं। आपको ड्यूटी का टेंशन है, मुझे टाइम का टेंशन है। टाइम का टेंशन? टाइम हो गया ना इसलिए। ओहो, मिस्टर नरसिम्हा, आपकी स्मोकिंग करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। You're right. मेरा स्टाइल बिल्कुल अलग है। रजनीकांत की तरह है बिल्कुल। एक मिनट, गाड़ी रोकेंगे? क्यों, ऑफिस आ गया क्या? नहीं, एक अर्जेंट फोन करना है। हेलो, फोन करने के लिए गाड़ी क्यों रुकाने का? ये लो मेरे मोबाइल से बात करो। नहीं, एसटीडी फोन करना था बस। आईएसटी की भी सुविधा है। पुलिस वाले का फोन है, दुनिया में कोई भी कोने में बात कर सकते हो। क्या करें, अरे कोई मुझे समझता ही नहीं है। अरे कोई समझना ही नहीं चाहता, सब मुझे टेंशन देना चाहता। हाथ में कोई स्टाइलिश चीज बंधी है लग रहा है। ये बुलेट चेन है। बुलेट चेन? ये तो हमारे पास होना चाहिए, ये आपके पास कैसे है? असली नहीं है, ये डमी बुलेट है। ओ, वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर।
क्या हुआ? हाँ, मैं ऑटो से चला जाता हूँ। ऑटो? हेलो, टायर में थोड़ा हवा कम है, चलो बैठो। अरे कोई बात नहीं, मैं ऑटो ले लेता हूँ। चांस मिला तो भागने का मौका देख रहे हो? अरे मेरी जीप में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो बैठो। नरहरी जीप? अरे चलो बैठो। अरे यार फंस गया, जाने ही नहीं दिया। अरे रुको रुको रुकिए। क्या हुआ? मेरा ऑफिस आ गया। ओह, ऑफिस यहीं पर है क्या? हाँ यही है। आपने टाइम पर पहुंचा दिया, शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। पिताजी, पिताजी क्या है, परेशान क्यों हो? पिताजी मैं परेशान नहीं हूँ। परेशानी नहीं तो घबराए हुए क्यों हो? अरे मेरी बात तो सुनिए आप। अरे वो बात नहीं है, जो कल वो गुंडे थे ना जो आपके पीछा कर रहे थे, आज उन लोगों ने मेरी जीप के नीचे बम लगा दिया। क्या कहा तुमने, बम? हाँ। बेटा हरी, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? मेरा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? पिताजी मुझे अपनी परवाह नहीं थी, मुझे तो ये प्रॉब्लम थी कि नरसिम्हा को अपनी जीप में बिठाया था। अगर उसे कुछ हो जाता तो थैंक गॉड, भगवान ने तुम दोनों को बचा लिया। बचाया भगवान ने नहीं। तो फिर किसने? लावण्या नाम की लड़की ने। हेलो डायनेमिक पुलिस ऑफिसर। हाय लावण्या, इधर अचानक कैसे आ गई? हम जब कॉलेज में थे तो रोज मिला करते थे। जब से तुम पुलिस ऑफिसर बने हो मुझसे मिलते ही नहीं हो। आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ, सच कहती हूँ। ऐसी बात नहीं है लावण्या, मुझे अर्जेंट काम है। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। पास में आइसक्रीम पार्लर है, मुझे वहाँ ले चलो प्लीज। चलो ना। अरे चलो, कम ऑन लावण्या, तुम कुछ भी कहो मैं सुनने वाली नहीं। लावण्या मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। तुम जो कहती वो सही है, सामने वाले का टेंशन समझती क्यों नहीं? एक दिन मेरे साथ शेयर नहीं कर सकती क्यों? ये लड़की समझती क्यों नहीं? जो मैं ऑर्डर करूंगी वही तुम्हें खाना होगा। इतनी हिम्मत जिसने की है वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता, वो जरूर कोई राक्षस है। पिताजी चाहे वो इस दुनिया के किसी भी कोने में रहे, नरहरी के हाथों से नहीं बच पाएगा। हाँ आप संभल के रहना। हाँ, ओके। तुम संभल के रहना बेटा। बच गया साला। चाहे कोई भी आवे पड़तल्ली से उसे मिलने मत देना, ओके? स्टॉप स्टॉप। सर, मेरे महाबली और अब्बास दोनों को पकड़ा गया, इसका जो मेन आदमी वो पकड़ा गया क्या, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? पकड़ूंगा। सर, आप जवाब दीजिए। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। ओके, मूव। वन क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। जो बम ब्लास्ट हुआ था उसका आपकी क्या रिएक्शन रहेगी सर? मेरा जो रिएक्शन है उसे मैं एक्शन में दिखाऊंगा। वन मोर क्वेश्चन सर, इतनी बड़ी बात को प्लीज सर, वन मोर क्वेश्चन ले रहे हो सर, प्लीज सर। ड्यूटी, ये हम पुलिस वालों के लिए एक मामूली सी दुर्घटना है। सर आपके जैसे सिंसियर ऑफिसर पब्लिक के दिल में हमेशा रहेंगे सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर। कानून से फरार मुजरिमों को आपने बहुत बार पकड़ा है सर, आपका नेक्स्ट टारगेट कौन है बता सकते हैं? वेट एंड सी।
पता चल गया। तुम्हारी जो आदतें हैं, तुमने जो किया वो तुम्हारी गलती है, पता चल गया। मेरी नजर पुलिस वाले की है, जिंदा इंसान का मैं पोस्टमार्टम कर सकता हूं। बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? तुम्हें मारना ही मेरा मकसद है। तुम्हें मारकर मैं यहां से चला जाऊंगा। अगर यमराज भी यहां आ जाए तो नरहरि का कुछ नहीं कर सकता। ये मेरी पुलिस की बॉडी है। तुम्हारी इसी बॉडी को मैं अपने इन दोनों हाथों से खत्म कर दूंगा। पिताजी, छोड़ दे मेरे बेटे को, छोड़ छोड़ मेरे बेटे को, छोड़ 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 मेरे बेटे को, छोड़। अरे नरसिम्हा, क्या हुआ तेरे को? बेटा हरी, हरी 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 बेटा हरी 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 बेटा हरी। अरे नरसिम्हा, ये तूने क्या किया? इसकी मौत मेरे हाथों में लिखी हुई थी, समझे? दो साल से ये मुझसे भाग रहा है, लेकिन नहीं, आज ये पकड़ा गया। अब मेरे हाथ से मरेगा ये। मेरे भाई, मेरा बेटा। अरे 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 ए, तू कौन है मैं नहीं जानता था, फिर भी मैंने तुझे अपने घर में रखा, तुझे बेटे जैसा माना, और तूने आज मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की। तू इंसान नहीं है। नहीं, खूनी, जिसे रोज अपने चाकू पर खून की जरूरत होती है। तुम तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत से पापड़ बेलने पड़े, लेकिन आज तुम्हारा बेटा मेरे मेरे हाथ आ गया। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, इसे खत्म करना। और अब मेरा मकसद पूरा हो गया है। हरी,
अरे तू 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 नहीं मर सकता हरी, तेरा जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आंखें खोल हरी, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। नहीं नहीं, अगर इस जमीन पर हवा भी बंद हो जाए तो अभी तुम्हारी सांसें नहीं रुकनी चाहिए। जो बात मैंने अपने दिल में वर्षों से छुपा कर रखी, उस बात को सुनने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है बेटा। उठ 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 बेटा, उठ उठ उठ। डॉक्टर, हे भगवान, मेरे नरहरी को बचा लो। हेलो, जिस काम से आया था वो पूरा कर दिया है। नरहरी अपने ही रहा। ओके नाना, रखता हूं। और मैं जब तक फोन ना करूं आप मुझे ढूंढिएगा मत। अब हम बहुत जल्द मिलेंगे, रखता हूं। सुनिए, मेरा बेटा कैसा है बताइए डॉक्टर साहब। फिक्र मत करो, आपके बेटे के सीने में जो चाकू लगा था वो अंदर तक नहीं गया, अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, क्या मैं उसका एक बार देख सकता हूँ? हाँ, मिल सकते हैं। धन्यवाद। पिताजी, कैसा लग रहा है बेटा तुझे? अच्छा लग रहा है पिताजी। मैं डर गया था बेटा। आपने ही सिखाया था अगर मौत आए तो उससे डरना नहीं, बचपन से यही बताया है आपने। मुझे डर इस बात का नहीं था कि तुम मर जाओगे। एक राज बताने के लिए, वो राज जानने से पहले तुम्हें मरना नहीं चाहिए। वो कौन सा राज है पिताजी? जिस शहर से वो तुझे मारने आया था उसी शहर में तुम्हारा भी जन्म हुआ था। भैया, रास्ता क्यों बंद कर रखा है? इंस्पेक्टर, क्या हुआ यहाँ? सीएम साहब आ रहे हैं। बोल रहा है सीएम आ रहे हैं। सीएम क्या, उसका बाप भी है तो हम रुकने वाले नहीं हैं। इस शहर में मेरे बड़े भाई की चलती है। ए, चलो जी बैठाओ, यहाँ से हटाओ। ए, तुम लोग चाहे जो कुछ भी कर लो। तू जानता अंदर कौन बैठा है? कोई भी हो, मुझे उससे क्या। सीएम के जाने के बाद ही कोई जा सकता है। बड़ा भाई कह रहा है सीएम आ रहा है, हमें नहीं जाने देगा। किसी का रिश्तेदार नहीं। मेरी बात का उल्टा जवाब देने वाला, इस रॉयल सीमा में ऊपर से नीचे तक सर्विस करने वाला कोई नहीं है। तेरे बाप से भी बड़े बड़े लोगों को देखा है मैंने, एक महीने के अंदर ऊपर भेज दिया, तू मेरे लिए क्या चीज है? लेकिन सर, ये तो अन्याय है। ए एसपी, इस राज्य को तिलिंगा कहकर क्यों बुलाते हैं मालूम है तुझे? तिलिंगा बोले तो सरकार, तिलिंगाना रॉयल सीमा, सरकार बोले तो बाढ़ और तूफान, तिलिंगाना बोले तो रुद्रपद्म, ये रॉयल सीमा बोले तो मैं और मेरा फैक्शनिज्म। इन तीनों एरिया में इन तीनों कारणों की वजह से सुरक्षित है, इसीलिए तुम्हारा जो गवर्नमेंट है वो बहुत खुश है। बोल तेरे सीएम को जाके ऐसा मैंने बोला था, जाओ जाके बोलो मैंने ऐसा बोला है। इधर आओ,
क्या हुआ? ड्यूटी पर जो ऑफिसर था उसका सर काट कर फेंक दिया। क्या? क्या हो रहा है ये सब? दिन दहाड़े ड्यूटी पर एक पुलिस ऑफिसर को काट के फेंक दिया। आखिर तुम्हारी पुलिस कर क्या रही है? दिस इज टू मच। कौन है वो? किसने मारा इसे? मैं पूछ रहा हूँ किसने मारा इसे? बड़ा भाई। बड़ा भाई, बड़ा भाई का नाम सुनते ही सीएम को शौक लगा। राज्य के मुख्यमंत्री बड़ा भाई जो अन्याय कर रहा है उसे नहीं रुकवा पाए। हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत शर्म की बात है। आखिरकार हम कुछ भी नहीं कर पाए। नरहरी, उस शहर में बड़ा भाई प्रतिदिन एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार रहा है। ये सब जानने के बाद भी कुछ समझ ही गए होगे, आखिर तुम वहां जाकर करोगे क्या? सर, मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए, प्लीज मेरा ट्रांसफर कर दीजिए। इतना समझाने के बाद भी तुम नहीं समझे? ओके ओके, मैं सीएम से बात करके तुम्हारा ट्रांसफर वहीं करवा दूंगा। हाँ, उसी शहर में। थैंक यू सर। सुनो सुनो पन्नी गांव के गरीब लोगों, जो जमीन राज्य सरकार द्वारा दी गई है उस जमीन का टेंडर शाम 5 बजे से पहले ग्राम पंचायत कार्यालय में लाकर जमा करना होगा। जानकी देवी, आप कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लेती, मगर इस गांव में जब ही टेंडर डालना होता है तब आप आती हैं। बड़े भाई के अपोजिट कोई टेंडर डालने आता है या नहीं ये देखने आई हूँ। बड़े भाई के सामने इस शहर में कोई टेंडर डालने भला कैसे आएगा? राज्य सरकार ने गरीब लोगों के लिए 2 करोड़ का टेंडर दिया है। दुर्भाग्यवश नीच ये टेंडर लेकर वो खा के गरीबों के मुंह पर मिट्टी उछाल रहा है, यही चिंता है। अरे तुम क्या कर सकते हो? ये यहाँ का बड़ा भाई है, जब तक जिंदा है तब तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे खिलाफ टेंडर डाल सके। लो उस पर साइन करो, अंगूठा लगाओ, स्टैंप लगाकर सर को दे दो। सर? अरे क्या रे, सुना नहीं बड़े भाई ने बोला दे दो तो दे दो? शाम को घर पर आकर लेख कर लेके जाओ। मैं सरकार की तरफ से नौकरी करता हूँ और नियम के अनुसार टेंडर डालने का समय शाम को 5 बजे तक है, उसके बाद ही निर्णय होगा। तू सोच रहा है कोई और भी आएगा? शाम के 5 बजे तक नहीं, 5 दिन 5 साल 5 युगों तक कोई भी यहाँ नहीं आएगा और यहाँ किसी को आने भी नहीं देगा। ऑफिसर, बड़े भाई की आज्ञा के बिना यहाँ चींटी भी नहीं मरती, समझा क्या? जानता हूँ सर। यहाँ पे इस रॉयल सीमा में जो मैं चाहता हूँ वही इस सीमा में होता है। अगर मैं कहूँ तो कोबरा नाक भी नहीं काटेगा और पिंजरे का शेर भी नहीं दहाड़ेगा। इस सीमा के ऊपर जो भी है वो मेरा प्यार है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हाथ में जो पेपर है उस पे साइन करो। सर, तुझे कितना भी समझाओ मगर तू समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। ऐसा नहीं है सर, नियम तो नियम है। तू कौन है रे, मुझे उल्टा खड़ा होकर जवाब देने वाला? किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे सामने इस जमीन पर खड़ा हो सके? हाँ देखता।
ये मेरा टेंडर है। ए, कौन है रे तू? मैं यहां आकर बैठा हूं, तेरे सामने पैरों में पैर चढ़ाकर कुर्सी पर राजा के जैसा बैठा हूं। मैं कौन हूं तुमने किसी से पूछा नहीं क्या? क्या रे, तू इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है? मैं यहां आकर बैठा हूं, तेरे सामने ही टेंडर डाला है मैंने। चंद्रशेखर नायक। ए, किधर से आया रे तू? पटना से आया? अलीगढ़ या अनंतपुर से? तुलापुर, क्रांतिपुर, चंबल घाटी या फूलपुर? मैं आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से आया हूँ। अब तो तेरी समझ में आ चुका होगा ना? ना हाई टेक, ना हैदराबाद। मैं हाई टेंशन रॉयल सीमा हूँ। तुम मेरे दुश्मन हो गए तो मैं बड़ा भाई तुम सबका गर्दन काट डालूंगा। अच्छा, तुम गर्दन को तोड़ के गोले की तरह काटते हो, मगर मैं ऐसा नहीं करता। ये तेरा दिल है ना, उसे मैं अपने दांतों से ही काट डालूंगा, समझिए ना। अबे चल, ये मेरी जमीन पर आकर मुझसे सवाल कर रहा है, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? काट डालो सबको। ए! अच्छा भाई, तू भाई होकर भी सीमा के अंदर ही धंधा किया। मैं आंध्र प्रदेश का गुंडा हूँ और हैदराबाद का टेररिस्ट हूँ। मैंने पूरी दुनिया देखी है और सीमा में फैक्शनेशन देखा हूँ। ये सब करने के बाद यहाँ आया हूँ। आ जाएं, तुम्हारे आदमी आ जाएं। भले एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, या दस आ जाए, या सारे आ जाए, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं, समझा? आ जाओ, देखता हूँ किसमें है हिम्मत। चंद्रशेखर नायक की जय। चंद्रशेखर नायक की जय। हौसले के चाकू बनकर आए हो तुम, हिम्मत के बम की तरह फूटे हो तुम। वो बहुत बड़ा टेंशन है और तुम बहुत बड़े स्टार हो। आज से उसका बैड टाइम शुरू। नहीं, नहीं, अपनी जगह में अच्छा दिन आ गया। बेटा, तुमने बीच में आकर स्टैंडर्ड को रोक दिया, वरना वो बड़ा भाई पता नहीं क्या करता। ऐसे वक्त पे तुमने टेंडर भरकर सारे गरीबों के साथ न्याय किया है। देखो ऑफिसर, मेरे टेंडर को चेक करके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से मुझे भेज देना। ठीक है चंद्रशेखर नायक। देखो, उस भाई से तुम लोग अगर जिंदगी भर डरते रहोगे तो वो तुम्हें हमेशा डराता रहेगा। आज से तुम लोग अपना अपना काम खोल के करो। कौन सा भाई तुम्हें डराता है मैं देखूंगा। मैं आज से यहीं आपके साथ रहूंगा, अपने आप को अकेला मत समझना। माँ जी, मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए। जिस तरह भगवान सबके घर में रहते हैं
उसी तरह तुम किसी के भी घर में रह सकते हो बेटा। आओ बेटा आओ, हाँ, चलो आओ, चलो आइए। आओ बेटा आओ, ये देखो ये है हमारा छोटा सा घर। माँ जी आप परेशान मत होइए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक आम आदमी हूँ, आप लोगों की ही तरह है। तेरे मर्द का क्या पावर कम हो गया? खाना नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, सच्चा मर्द वही होता है जिसके पास पावर होता है। चुप, तू मेरी बीबी कहलाने के लायक ही नहीं हो सकती। अब तक तू मेरे वंश में एक बेटा तक नहीं दे पाई, तीन तीन लड़कियों के सिवा क्या दिया मुझे? आज से मैं भी औरत की तरह रहूं क्या? अगर अगर आज मेरा बेटा होता तो वो भी जवान होता। मेरा बेटा उससे सवाल करने उसके सामने आता, लेकिन ऐसा करने वाला बेटा नहीं दिया मुझे। फू! आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है मालूम है? मेरे सीमा में आकर किसी ने मुझे धमकाया है, मेरी बेइज्जती की है, उसे मारकर मुझे जीतना जवानचो। जी बड़ा भाई, आदमियों को भेजकर उसको उठाने के लिए बोलो। छोटे मुंह बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ बड़े भाई, जिसका ये गांव नहीं दूसरे गांव से यहाँ आकर डील करके आपके सामने जीत गया, मैं सोच रहा हूँ वो आदमी कितना खतरनाक होगा, उसकी राशि देखना होगी मेरे भाई पंचांग में। ए, चाहे राशि बोले, चाहे तुम्हारा भगवान बोले, चाहे कोई भी बोले, वो बचना नहीं चाहिए। मेरे गांव में आकर उसने मुझे ललकारा है, और इसी गांव में कल का सूरज उसकी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। है तो मुर्गा बोलता है, मुर्गा बोलने से सुबह होती है क्या? ए, मैं चंद्रशेखर नायक को बताऊंगा ना। एक लगने आदमी को ऐसे मारते हैं क्या? शर्म ना आती? चुप रह नालायक कहीं का, वो कौन है, कहां से आया है, चार प्यार की क्या बातें कर ली, मुझे छोड़कर उसे सपोर्ट करने लगे। आज के बाद अगर इस गांव में कोई भी दूसरा आदमी आए और किसी ने उससे बात की या पानी भी पिलाया तो मैं उससे मार डालूंगा। इस गांव में मेरा राज चलता है, मुझसे बगैर पूछे इस गांव में कोई भी पशु पक्षी सांस नहीं ले सकता है, समझे तुम लोग? मगर भगवान आके तेरा सर्वनाश कर देंगे। कल तेरा भगवान आया था तुम लोगों की रक्षा करने के लिए और मैंने उसे मार डाला, अब तुम्हारा भगवान कहाँ से आएगा, कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? आएगा, जरूर जरूर आएगा। बुलाओ से, बुलाओ से, कहाँ है तुम्हारा भगवान? आकाश में है, बुलाओ, बुलाओ से। सुनो सब लोग, अगर मेरे खिलाफ कोई भी बोला, किसी ने भी कोई आवाज निकाली तो मैं उसे मारूंगा, यहाँ लाश गिरेगा शमशान में। बड़ा भाई, बड़ा भाई, बड़ा भाई, तू कैसे बच गया? कंस के कष्टों से जिस तरह श्री कृष्ण जी बचे थे, रावण के कष्टों से जिस तरह श्री राम जी बचे थे, वैसे मैं भी बच गया। ऐसा क्या, तो तू अपने आप को भगवान समझता है? ए, शुरू हो जाओ। हे, तुम में जो भी मर्द है वही मुझसे आकर लड़े, लेकिन साथ में ये भी याद रखना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पीछे आग में जला डालूंगा। आगे आओ। ए, बड़ा भाई, अपने ही इलाके में तुम मुझे चोरी से आकर मारते हो, तू अपनी सीमा में रह। अगर तुम इस इलाके के भाई हो तो सामने से आके मारो, इन गरीब जनता को लूटना बंद कर दे, समझ गया? तू अपनी सीमा की हदें मत लांग, वरना जनता की मार बहुत बुरी होती है। जा, मैंने कहा जाना, मैं तुझे टाइम दे रहा हूं, घर पे जाके सोच लेना, जा। hey! अरे जाना। चंद्रशेखर नायक की, बड़े भाई निकल लो, समय ठीक नहीं अपना। चंद्रशेखर नायक की, चंद्रशेखर नायक की, चंद्रशेखर नायक की, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? चंद्रशेखर नायक की, चंद्रशेखर नायक की।
ये मुर्गी के पंख है क्या? ये पंख नहीं पंखा है, मेरी बेटी ने मुंबई से भेजा है। हाँ, बहुत अच्छा है। अरे बेटी आ गई। बेटी लावण्या अच्छी हो ना? हाँ माँ ठीक हूँ। अरे बेटी मैं परेशान थी, इतने दिन से तो फोन क्यों नहीं कर रही थी? मुझे बहुत चिंता थी, एग्जाम की वजह से मैं फोन नहीं कर पाई। अब एग्जाम्स हो गया तो मैं चली आई ना माँ। मैं बहुत खुश हूँ बेटी। सिर्फ तुम्हारी मम्मी नहीं, पूरे गाँव वाले भी खुश है। हाँ, बहुत खुश है। क्या कहते हैं आप, वो बड़े भाई के होते हुए पर गाँव वाले कैसे खुश रह सकते हैं? आओ बेटा, मेरी बेटी लावण्या मुंबई में पढ़ती है, कल शुक्रवार को माता जी की पूजा है ना, इसलिए आई है। ओ, ऐसा क्या? मम्मी ये चंद्रशेखर नायक काम करने के लिए इस गांव में आए हैं और इनको टेंडर भी मिल गया है। और ये सब देखकर बड़ा भाई इनको कई बार मारने की कोशिश की। हमारी किस्मत अच्छी है इसलिए बेटे को कुछ नहीं हुआ, इधर उधर घूमता रहता था इसलिए मैंने इसे अपने घर में बुला लिया। मैं भी इंतजार करते यहाँ पर चली आई। मतलब? नहीं बेटा, किसी अच्छे आदमी के आने का इंतजार था, ये लावण्य का मतलब है। हाँ सर, उस बड़े भाई के हाथों कितने घर बर्बाद हो गए, ना जाने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया उसने। उसमें एक मेरा भी घर था बाबू, और एक माता जी का घर भी था बाबू। हाँ बेटा, मेरे पति परिवहन डिपार्टमेंट में काम करते थे, बड़े भाई रास्ते में ट्रकों को रोक कर उनसे डबल वसूली करता था। जब मेरे पति ने इसका विरोध किया तो उसने उसे बेरहमी से मार डाला। दुखी मत हो मां, उस रावण का मरने का वक्त आ गया है, उसके मरने के बाद सारा गांव दीपावली की खुशियां मनाएगा। आखिर वो दिन कब आएगा, उसका मुझे बहुत इंतजार है। मैं हूँ इस रल सीमा का शेर, तुझे तो मालूम है ना? सुन, मेरे सारे आदमियों को पुलिस की गिरफ्त से कैसे भी करके छोड़ा। हाँ, समझ गया ना? हाय हाय, क्या सुपर फिगर है। हाय स्टूपिड, क्या मस्त आइटम है। इडियट। ए रुको रुको, आई एम कमिंग। ए रुको 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 रुको, डोंट वरी आई एम हियर। ए तेरी बॉडी कैसी है? मेरी बॉडी तो बहुत गर्मा गर्म है। तो मैं क्या करूं? तू कुछ मत कर, मैं तेरा रेप करूंगा। ऐसा क्या? हाँ। भागले भागले भाई भागले भागले, अरे रुकना मत, बहुत मारेगी, भागले। क्या रे, कहीं पे कोई बम फूटा है क्या, ऐसे क्यों भाग रहा है? सर गोले वाला बम नहीं, आइटम बम है। आइटम बम? हाँ सर। ए, पकड़ो रे, चीची चीज मुझे नहीं, बाइक को। क्या रे, झगड़ा कर रहा था? इस लड़की ने मुझे मारा सर। कह रहा था कि मेरी रेप करेगा इसलिए मैंने इसे मारा सर। क्या रे? सर मैंने रेप करने के लिए बोला, ये गलत है क्या? अरे सच में। थैंक यू सर। तू करूं ये बोलना नहीं चाहिए, करके दिखाना चाहिए। सर ऐसे ऐसे ऐसे। सर ये क्या? उधर देख। आ गया से। भागले। रेप करने का मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तुम्हें करूंगा तो मेरा सौवा हो जाएगा। आओ आओ मेरी जान, आ जा। ए, तो पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर काला धब्बा है, तुझे जनता की रक्षा के लिए रखा गया है। ये बात कोई और सुनता तो तुम पर चार्ज लगाता, मैं तुझ पर अपना चार्ज लगाऊंगा। जैसे तू चुटकी में दाढ़ी पीता है मुझे मालूम पड़ जाता है। अब मैं अपने हाथों से एक चुटकी में तेरे बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुझे रेप करने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ना, आज मैं तेरे एक्सपीरियंस के बायोडेटा को
हमेशा के लिए फाड़ डालूंगा। ओहो, तो तुम ही हो। मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया था कि नया फेमिनिस्ट आया है, तुमको अरेस्ट करके मैं इधर से ले जाऊंगा। अब तुम्हारा एड्रेस क्या मालूम है? केयर ऑफ सेंट्रल जेल। ओहो, वैक्सीनेशन के नीचे काम करके और उसका पानी पी के तू गंदा हो चुका है। तू मुझे क्या अरेस्ट करेगा? अब मैं तुझे बताता हूँ कि पुलिस की ड्यूटी क्या होती है, पुलिस क्या होती है और पुलिस का क्या कर्तव्य होता है। तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं रास्कल। बड़े भाई स्टॉप, वहीं रुक जाओ। क्या रे, मुझे रोकेगा? ये गलत नहीं है बड़ा भाई, अगर परमिशन नहीं है तो अंदर नहीं आ सकते। ये तुम्हारा घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन। हाँ, हम तो समझे थे कि ये रेलवे स्टेशन है। तुम्हारी आंखें चढ़ गई या बॉडी खराब हो गई? जानते हो किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे बड़े भाई से। जबान को लगाम दो। बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, हमको उससे क्या? हम सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाते हैं और किसी को नहीं समझते, कुछ समझे क्या? तुम चाहे कोई भी हो, हम तुमको क्यों सैल्यूट करेंगे बोलो? ये बड़ा भाई, आज से तुम्हें हमको सैल्यूट करना चाहिए। जान से मार दूंगा। ए, रुको 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 बड़ा भाई, बड़ा भाई, इसे पहले नीचे करो। हम यूनिफॉर्म में हैं, हमें ट्रेनिंग दी गई है कि अगर कोई आए तो उसे ऐसा कहा जाए। हमें ऐसा कहने वाले सब अंदर बैठे हैं। कौन है वो? अपना आदमी है क्या? अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं? अंदर बैठे नहीं है, अंदर काम कर रहे हैं। ये नया एसीपी है। अंदर बैठे नहीं, अंदर काम कर रहे हैं। ये मेरा आदमी है। आज के बाद तुझे जितना पैसा चाहिए कोई संकोच किए बिना ही मुझसे मांग लेना, मैं दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा मेरे सामने झुक के रहना। गौर से सुन, मैं बोल रहा हूँ, बड़ा भाई बोल रहा है। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर नरहरी का ट्रांसफर नहीं हो सकता है तो याद रखना, हमारे इस गांव में दोबारा कदम मत रखना। हाँ, समझ गया बड़ा भाई? हा? क्या हुआ?
नया वो एसीपी। क्या हुआ एसीपी को? ये नोटिस। कैसा नोटिस? अरे 26 घंटे के अंदर ये बताना होगा कि कौन गैर कानूनी कार्य करता है या नहीं करता, तलवार का बंदूक का लाइसेंस है या नहीं है उसके पास, ये सब कुछ उसको बताना होगा। उसी बात का दिया है ये नोटिस। सब आ गए क्या? आ तो गए हैं, कोई आपसे मिलना चाहता है। कौन है? मैं हूँ। तो तू आया है, मुझे मालूम था। ये सारा नाटक मैंने तेरे लिए ही किया है। चुपचाप अपने हथियार यहाँ जमा कर दो। ये लाइसेंस भी ले लो। दूसरा लाइसेंस। उधर देख। अरे नरहरि, तूने अभी मेरा पावर देखा ही कहाँ है? अभी धीरे धीरे मैं तेरे को सब दिखाता हूँ। इससे ज्यादा हथियार तो मेरे घर में है, और उससे भी ज्यादा मेरे राइस मिल में है, और उससे 10 गुना ज्यादा बम मेरे पंप हाउस में है। इस देश में इससे ज्यादा पावर किसके पास है? इससे भी ज्यादा खतरनाक पावर मेरे पास है। मैं इस सीमा का सबसे बड़ा गुंडा हूँ। ये पुलिस, ये कचड़ी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन सभी हथियारों के लाइसेंस चेक करते करते तेरी उम्र बीत जाएगी। इतना सब कुछ जानने के बाद तू मेरा क्या कर सकता है? क्या बिगाड़ लेगा तू? क्या उखाड़ लेगा तू? क्या पकड़ेगा तू? बंदूक, बुलेट। ए बड़ा भाई, तेरे जैसे स्वार्थी और हिंसक की वजह से राज्य की सीमा बम की तरह हो गई है। पहले ये राज्य की सीमा हीरे की तरह चमचमाती थी, तेरे आने से ये बम की तरह हो गई है। एक कवि को कविता लिखने के लिए इससे बेहतर जगह और कहीं नहीं हो सकती है। महान कवि कालिदास का जन्म इसी राज्य की सीमा पर हुआ था। श्री सेलम, महाविलम, तिरुपति, मंत्रालय, यहीं पर उन महान लोगों का पवित्र स्थल है। तुम्हारी सीमा राज्य से अब तुम्हें निकालने का वक्त करीब आ रहा है, समझ गया तू? तेरी जिंदगी का अच्छा समय अब खत्म हो चुका है। तेरे जैसा पुलिस ऑफिसर मैंने बहुत देखे है, तुम्हारी कोई गिनती नहीं है, खबरदार। मुझे मारा तू, मुझे मारा तू। ये है पुलिस का पावर। डोंट मूव। आगे आओगे तो गोली चला दूंगा। मुझे सर्विस करते 20 साल हो गए, अभी तक मैंने अपने पावर का सही इस्तेमाल कभी नहीं किया है सर। जो एक फैक्शनिस्ट को लॉकअप में डाल के एक बार लाठी से मारना चाहिए, इस लाठी के पावर का अधिकार सिर्फ पुलिस जनता के न्याय के लिए उठाती है सर। सर क्या आप मुझे परमिशन देंगे सर? सर, मैं 6 महीने में रिटायर होने वाला हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ सैलरी ली है, किसी को मारा नहीं। इसके सीने पे लात मारने की इजाज़त दीजिए, ये मेरा आखिरी समय है। मैं एक सच्चे ऑफिसर के सामने एक सच्चे कांस्टेबल के रूप में रिटायर होना चाहता हूँ। प्लीज आप मुझे परमिशन दीजिए सर, मैं इसे बताना चाहता हूँ कि पुलिस का पावर क्या है। Ha ha ha!
भाई, यही है पुलिस का पावर। तुम जैसे वैक्सीनेशन वालों को पैर के नीचे दबा के खत्म कर दूंगा। यही है पुलिस की इमेज। अब तुझे पुलिस की इमेज का पता चल चुका, अब तुझे स्टेशन पर ले जाके टांग दूंगा। खबरदार। Narsimha! Hey, इधर आ बे। कौन है बे तेरा वो नया साला एएसपी नरहरी? हाँ? मेरे साथ पंगा लेने की जरूरत की साले ने? किधर है वो साला? उधर है सर। भाई मुझे बाहर निकालो ना भाई। मेरे साथ भिड़ने के बाद अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है समझे। तुम्हारी मौत होगी और वो होगी सिर्फ होगी तो केवल मेरे हाथों से, और इस पुलिस स्टेशन के अंदर ही तुम्हारी कब्र बनाऊंगा मैं। देखो मेरे साथ उलझने का अंजाम, इसी पुलिस स्टेशन में उसने मेरे बाप को मारा था और उसी पुलिस स्टेशन को मैंने मिट्टी में मिला दिया। कोई भी अगर मेरे बाप के साथ बदतमीजी करता है उसका भी यही अंजाम करूंगा मैं, याद रहे। बड़ा भाई। नरहरि, मेरे घर में आया, अंदर कैसे आया? बड़ा भाई, सिटी क्रॉस करके सीमा में आ गया हूँ, सीमा क्रॉस करके तुम्हारे गांव में आ गया हूँ, गांव क्रॉस करके तुम्हारे घर में आया और तुम्हारे सामने हूँ। गौर से मुझको देख ले और ये भी देख ले, अरेस्ट वारंट। तूने जो बिना लाइसेंस के हथियार रखे हैं उसके लिए लेकर आया हूं ये अरेस्ट वारंट। मेरे को अरेस्ट वारंट देने का हिम्मत किस में है? इस सीमा में किसी को नहीं है। हाँ, कोर्ट बोले तो मैं तेरे गुंडे पकड़ने वाला हूं नहीं, ना तो तेरी तलवार पकड़ने वाला और ना तुझसे डरने वाला हूँ। कोर्ट न्याय करती है, तुम्हारी माता का मंदिर नहीं है। कोर्ट कमजोरों के न्याय के लिए बनाई गई है। यू आर अंडर अरेस्ट। आ गया मेरा बेटा नरसिम्हा, अभी देख लेंगे। तो तुम? हाँ मैं हूँ नरहरि। मतलब तो अभी तक तुम मरे नहीं हो? मरना मुझे इतनी जल्दी नहीं आता। अच्छा, बहुत श्याणा बनते हो तुम। हाँ वो तो मैं हूं ही, साथ में मर्द भी। ए!
कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर। मैं चाहूं तो तुझे यहीं पे ढेर कर दूं, लेकिन मैं भौंकता नहीं हूं, काटता हूं, समझे? चाहता है तो आजमा ले। मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले, वरना तू भी मिट जाएगा। ए नरहरी, पॉलिटिशियन और गुंडागर्दी इस देश में दोनों एक साथ पैदा होते हैं। एक को मारते हैं तो दूसरा रोता है, पर हमारे फैक्शनिज्म ऐसा नहीं है। कोई जिंदा हो या मर गया कुछ नहीं देखता, लेकिन तू आज जरूर मरेगा। चल तैयार हो जा। जो मुझे मारने वाला है मैं उसे अपनी उंगली से तोड़ दूंगा, इसीलिए मैं तेरा अरेस्ट वारंट लेके आया हूँ। तुम पुलिस वालों से ज्यादा, हम फैक्शनिस्ट का पावर ज्यादा है। साला 3-2-5 करता है, इससे बात क्या करता है, मार दे साले को। भाई के नाम से ही तुमको सेंट्रल जेल से बाहर निकाला। तुमने मुझे बाहर निकाला और मैंने नरहरी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। Cheers! हरी, डॉक्टर साहब मेरा बेटा कैसा है? घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। पेशेंट को परेशान ना करो। हरी, आपका? मैं हरी का पिता हूँ। ये सब कैसे हुआ? वो नरसिम्हा और नरहरी दोनों ने एक दूसरे को तलवार मार ली। हा? ये सब उस बड़े भाई की वजह से हुआ है। अब उसका नाटक खत्म होने का वक्त करीब आ रहा है। आज एक नया इन्फॉर्मेशन उस बड़े भाई को मालूम होना चाहिए। कौन है, क्या इन्फॉर्मेशन है? पंडित जी, आज मेरे बेटे नरहरी का जन्मदिन है और मैं जिला परिषद अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन भरने के लिए जा रहा हूँ। नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। ये मेरी धर्म पत्नी है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए।
सीताराम, मेरे मना करने के बाद भी इलेक्शन में तुमने नॉमिनेशन किया और घर में फेस्टिवल मना रहे हो ये सोचकर कि तुम इलेक्शन में जीत जाओगे। मेरे से पूछकर नॉमिनेशन डाला था क्या? मेरे जिंदा रहते मेरे ऑपोजिशन में कोई नहीं खड़ा हो सकता। हाँ। ए, ए, तुम हमें डरा रहे हो? तुम डरने वाले नहीं है, हमने औरतों की तरह चूड़ियाँ नहीं पहनी है। अरे मर्द, चूड़ियाँ नहीं पहनी तो क्या हुआ, पहना लेंगे। तो ठीक है, तो आज देखते हैं तू यहाँ से कैसे अपने पैरों पे चल के जाएगा, समझा? जरा गौर से देख मेरे पीछे, तुम्हारे लोग मेरे लोगों के हाथों कैसे मरते हैं। ए! पर तेरी समाधि बना दूंगा, इस जगह को शमशान में बदल दो, शुरू हो जाओ। ए बड़ा भाई, तेरी मौत को मैं अपनी आंखों से देखूंगी, आज तुझे नहीं मैं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुझे। शाबाश, तू सीमा की है, इतना पावर रखती है। सीमा का रूल्स है, बच्चे लोगों को नहीं मारते, बड़े लोगों को मारते, क्या करे बेटा, ये यहाँ का रूल्स है। बड़े भाई सब मर गए, घर को आग लगा दी क्या, सब समझेगा कि जल के मर गए। चुप हो जाओ, जान से मार दूंगा साले, अगर ये सभी जल के मर जाएंगे तो मैं लोगों से कैसे बताऊंगा कि मेरे सामने खड़ा हो रहा था चुनाव में। देवांशु। बड़े भाई, पूरी रात सोना नहीं, सुबह सबको बता देना कि बड़े भाई ने सबको मार दिया, उसके बाद जला देना, सबके दिल में डर दहशत पैदा हो जाए मेरे नाम की, मुझे देखते ही सब इधर उधर भागने लगे। ये मेरा पावर है, मेरा राज मेरे पावर से ही चलना चाहिए। भगवान, मैं अपने बेटे को यही छोड़कर अपने भाई के बेटे को लेके जा रहा हूँ, भगवान इसकी रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना भगवान, इस बच्चे की जिंदगी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। हाथ भगवान के सामने नहीं, अब तुम्हारे सामने जोड़ना चाहिए, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, बेटे को लेकर जाओ, ये गांव छोड़कर चले जाओ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं सब संभाल लूंगा। हाँ, जाओ जाओ, अपने इस बेटे को ले जाओ, यहां जो भी कुछ होगा मैं सब संभाल लूंगा, जाओ जाओ यहां से, चलो जाओ जाओ जाओ, जाओ मैं कह रहा हूं, जाओ। हाँ मैं संभाल लूंगा, जाओ। क्या रे, क्या वो मल्लन बेटा को लेकर भाग गया क्या, कहां गया वो, जहाँ कहीं भी हो अपने आदमियों को भेजकर मार डालो, इन सबको गांव वालों के सामने
छोटे छोटे टुकड़े करके आग में जला दो। अब देखो इस पूरे गांव में मेरे नाम की दहशत मच जाएगी। चलो। ये सब मर गए, तू कैसे बच गया रे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। बड़ा भाई क्या हुआ? ये बच गया, भगवान का आशीर्वाद है। ये मर जाता तो तुम्हारे दुश्मन मर जाते। तो क्या हुआ? इसे नीचे उतारो और इसकी पूजा करो दंडवत करके। शायद यही भगवान की मर्जी है कि हम इसकी परवरिश करें और दुश्मनों से अपनी जंग जीत लें। अब आएगा असली मजा। हाँ, दुश्मनों को सबक सिखाने का इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता। अब देखना आज के बाद सीताराम की आत्मा हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। सच बोल रहा है तू? इसको बचा के बड़ा किया तो सीताराम की आत्मा इसे देखकर खत्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। सीताराम, अब तेरे बेटे को अपने पांव के नीचे कुत्ते की तरह पालूंगा। सीताराम की औलाद, अब तू कैसे बड़ा होता है देख। अब देख मैं तुझे क्या से क्या बनाता हूँ। कुत्ते की औलाद। शाबाश देवांशु, इसे मैं कुत्ते से भी बदतर बनाऊंगा। तभी जाकर मेरा बदला पूरा होगा। नरसिम्हा, तेरा बेटा। हाँ, तेरा बेटा। तेरा बेटा नरसिम्हा। ये जो कह रहे हैं ये सच है? तेरे पिता है नरसिम्हा। बाबा, तुम दोनों एक हो गए। इसकी गलतियों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पिताजी, इससे जो गलती हुई है इसके लिए आप क्षमा कर दीजिए। इससे जो गलती हुई वो सब अनजाने में हुई। हरी, प्लीज माफ कर दीजिए ना। आप जैसे भले मानुष के साथ मैंने कई जुर्म किए हैं, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, तुम दोनों अगर एक हो गए तो दुर्जनों को मारने का वक्त आ गया है। अब बड़े भाई के मरने का वक्त आ गया है। हाँ बाबू, ये बिल्कुल सच कह रहा है। 100% उस दुश्मन का मरने का वक्त आ गया है। तुम दोनों भाई मिलकर उसको खत्म कर सकते हो। उसके लोग एक बड़ी घटना करने वाले हैं। तुम दोनों उसे रोक सकते हो। हाँ, वेलकम टू हिंदुस्तान। ये किस लिए?
ये हिंदुस्तान नहीं है, खबरिस्तान है, खबरिस्तान। मतलब शमशान, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? सब सीएम करेगा ना। इस देश का अगर मैं सीएम होता तो ये खबरिस्तान होता। कब्र कैसी होनी चाहिए आप बताइए मुझे, बताइए, अभी बताइए मुझे। ये है आंध्र प्रदेश। ये क्या बोले हो, आंध्र प्रदेश नहीं आंध्र प्रदेश। अगला 15 अगस्त को आग लगेगा, आंध्र आंध्र बन जाएगा, तब ये साम्राज्य हमारा होगा और तुम हो गए चीफ मिनिस्टर। मुबारक हो भाई, भाई बड़ा भाई। अब हम लोगों को क्या करना होगा? एक साथ 3 जगह बम ब्लास्ट होना चाहिए। क्या बोल रहे हो? इसके लिए बहुत अच्छा प्लानिंग किया हमने। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का हमको कोई परवाह नहीं, तुम्हारे कुछ प्रजा मर जाएंगे। प्रजा लोग जाएगा। प्रजा तो जाएगी। तिरुपति में बम ब्लास्ट के लिए RDX तुम लगाओगे। रक्षा करने वाला सबका भक्षक बन जाएगा। ये सब भगवान की मर्जी है, ऐसी ऐसी भगवान की इच्छा है, समझ गए ना? गोदावरी और कृष्णा के डैम के ऊपर बम चाहिए। इससे सारे राज्य में धमाका हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जिस समय असेंबली में नेता लोग रहे उस समय धमाका चाहिए। ऐसा हुआ तो पूरी असेंबली राख हो जाएगी और पावर अपने हाथ में हमेशा के लिए आ जाएगा। देखो, ये सब काम प्लान के मुताबिक होना चाहिए। इस काम के कोई खबर किसी को नहीं लगना चाहिए। ओके ओके। कैसे? तुम दोनों? हम हैं शत्रु नहीं, दोस्त बन के आए हैं। किस लिए आए तुम लोग? तुम्हारी मौत की डेट लगाने के लिए। मैं एक इंटरनेशनल टेररिस्ट हूँ। तुम टेररिस्ट हो तो हम पाकिस्तान नहीं हैं जो डर जाएं। तुम्हें भगाने के लिए हम हिंदुस्तानी काफी हैं। ए, तुम्हें शायद पता नहीं है लेकिन इस जमीन पे पैदा होने वाला हर इंसान एक वीर है, वीर हिंदुस्तानी। जो इधर की हवा खाता है वो शिवाजी राव पुरुषोत्तम है। इस धरती का पानी पीने वाला हर इंसान एक भगत सिंह है, एक चंद्रशेखर आजाद है। मैं ढालूंगा दोनों को। दोनों खेल रहे हैं।
जाओ मेरे रास्ते से। तुमने अभी भी मेरा ताकत देखा नहीं। मैं चाहूँ तो तुम दोनों को चुटकी में खत्म कर सकता हूँ, तुम्हारा नाम और निशान मिटा सकता हूँ। भाई, बड़ा भाई। किसका भाई है तू? कौन सा फैमिली का तू बड़ा भाई है? अगर आदमी मरे तो उसको ले जाने के लिए चार आदमी होने चाहिए। तुम इधर मर जाओगे तो तुम्हारी राज्य सीमा के चार पदाधिकारी तुम्हें देखेंगे। तुम्हारे फैक्शनिज्म के दिन अब पूरे हो गए, समझ गए बड़े भाई? आज तेरी मौत मेरे हाथों से होकर ही रहेगी। जिस सीताराम की तूने हत्या की थी, मैं उसी सीताराम का बेटा हूँ। वो सीताराम मेरे पिता थे। तू है वो सीताराम का पिल्ला। हाँ बड़ा भाई। तू जिंदा है? हाँ, इस सच के साथ साथ मैं भी अभी तक जिंदा हूँ। तो फिर ये नरसिम्हा कौन है? वो मल्लन का बेटा है। मैंने कई साल से इस राज को दफन करके अपने बेटे को बड़ा किया है। ये सीताराम का बेटा है जिसको तूने चालाकी से मारा था। लेकिन भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। देख क्या रहे हो, मारो इसको। इस कमीने को मारकर अपने पवित्र हाथ को गंदा मत कीजिए। इसे मैं ही खत्म करता हूँ। अब तक मेरे हाथों से कितने लोगों को मरवाया तुमने? अब मेरे हाथों मरने के लिए तुम डर रहे हो, और तुम इसलिए अब तक जिंदा रहे क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी थी। और मार, खत्म कर दी थे। आज से इस राज्य सीमा में फैक्शनिज्म पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज से इस राज्य की सीमा में शांति रहेगी और सब लोग खुशियां मनाएंगे और भाईचारे से मिलकर रहेंगे। खुशियों का वक्त आ गया है। आज इस धरती पर एक और पापी का अंत हो गया। इतने दिनों से इस पापी के साथ था, वो भी सिर्फ अपने पापी पेट के कारण। लेकिन आज से मैं इस रॉयल सीमा में मैं अन्याय के विरुद्ध काम करूंगा और इसी गांव में रहूंगा। अब तुम मुझे अरेस्ट करके अपना फर्ज अदा करो। मैं तुम्हारे हाथों से अरेस्ट होने के लिए तैयार हूं। बेटा, इसे कहां ले जा रहे हो? नरसिम्हा बहुत सालों के बाद तो मिला है। पिताजी, नरसिम्हा कहीं नहीं जा रहा। अच्छा आदमी बनके वापस आपके पास आएगा। चलता हूं मैं। खुश रहो बेटा।